ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 7 जून 2022 के महावाक्य है, मीठे बच्चे रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। फादर शोज सन, सन शोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। आज का प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। उत्तर है, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो यह हमारे ब्राह्मण कुल का है जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त है। कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। यह ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। तुम कोशिश कर एक बात सबको सुनाओ, सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। वो कहता है, तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज का गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, दोनों बाप आ गए, चाहे वह बाप समझाए चाहे यह बाप, माना ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति, और वो है झूठी। अपने स्वधर्म का तो पता ही नहीं है, स्व को अपने परमपिता परमात्मा का पता नहीं है, तो शांति या शक्ति कौन देवे। शांतिदाता तो बाप ही है ना। जो बाबा कहते हैं, बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम तो अविनाशी हो ना, अपने स्वधर्म में बैठो, और कोई ऐसे बैठते नहीं। बरोबर, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमपिता परमात्मा एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत होती है, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो तुमको मिलती है। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, वही अकाल मूर्त है, कहते भी है ना, वो लिबरेटर है, सर्व का सदगति दाता भी है, दुख से आकर के लिबरेट करते हैं, पतित पावन बाप है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाबा को भूलने के कारण सबकी दुर्गति हुई है। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन वासी को भी भगवान कह न सके, ऊंचे ते ऊंच है ही एक भगवान। यहाँ तो है ही मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आते हैं, परमपिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते। फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। सारा दिन यह बुद्धि में रहना चाहिए, बाप का परिचय कैसे दे। अब रात दिन तुम इसी चिंतन में रहो कि कैसे सबको बाबा का परिचय देना है। पतितों को पावन बनाने वाला तो है ही एक बाप, गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा, तो बच्चों की जीत होनी है। सो अब मेहनत करेंगे। महारथी घोड़ेस्वार प्यादे तो है ना, तुम बच्चे जानते हो भारत को ही बाप से वर्षा मिला था, अब छीना हुआ है किसने, रावण ने। फिर बाप देते हैं, बाबा भारत में ही आते हैं, इतने सारे धर्म हैं, ये सब खत्म हो जाने हैं, फिर सतयुग होगा। हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम कहते रहते हैं। कहते हैं ना, राम नाम का दान दो, इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है। वो कहते हैं अकाल तख्त, तुम बच्चों का तख्त कौन सा है, तुम आत्माएं सब अकाल मूर्त है और इस तख्त पर बैठी हुई है। तुमको कोई काल खा न सके, यह शरीर तो खत्म हो जाएंगे। वो समझते हैं अकाल तख्त अमृतसर में है, परंतु अकाल तख्त तो महतत्व है ना, हम आत्माएं भी वहाँ के रहने वाली है। गाते हैं, बाबा आप अपना तख्त छोड़कर आओ, वह सर्व के लिए शांति का तख्त है। राज्य तख्त कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे, बाबा का तख्त सो हमारा तख्त है। वहाँ से हम पार्ट बजाने आते हैं, बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं। बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है, बाप का परिचय किसको कैसे देवे। फादर शोज सन, सन शोज फादर। हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है, जिसका मालिक बनेंगे, ये बुद्धि में है। मुख्य है ही शिव बाबा का परिचय, सारा रोला इसमें है। एकज भूल का नाटक भी है ना,
भूल कराने वाला है रावण। सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, हम आत्मा है, बाकी यह नहीं कहेंगे हम परमपिता परमात्मा को जानते हैं। नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। सतयुग में बाबा कहते परमात्मा को हम नहीं जानेंगे, हम तो भूल ही जाएंगे बाबा को। अभी प्यारे बाबा हमारे साथ है तो बहुत उनको याद करते रहेंगे, उनका साथ निभाते रहे। दुख में स्मरण सब करते हैं, भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे। कल्प कल्प वर्षा मिलता है, यह ड्रामा ही ऐसा बना है। बाबा को कोई जानते नहीं, अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी है। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहे, यह बुद्धि के लिए भोजन है, कैसे बाप का परिचय सबको देवे। बाबा का एक ही री इनकारनेशन गाया जाता है, समझते हैं आएंगे जरूर कलयुगांत सतयुग आदि के संगम पर। पतितों को पावन बनाने मुख्य है गीता, गीता से ही हीरे जैसा बन सकते हैं, बाकी सब शास्त्र है गीता के बाल बच्चे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है, श्रीमद मशहूर है, श्री है ऊंचते ऊंच परमात्मा, श्री श्री 108 रुद्र माला, यह है शिव बाबा की माला। तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाप यह है। बाबा बाबा तो सब करते रहते हैं, बाबा की रचना रची हुई है यह भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो, उनको जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में जा रहे हैं, तुमको ज्ञान की डांस करनी है। मेरा की थी भक्ति की डांस, अर्थ कुछ भी नहीं। व्यास भगवान कहते हैं, अब व्यास तो है ही बाप जो गीता सुनाते हैं, तुम कोई को भी सिद्ध कर बता सकते हो बाबा एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देवे। स्वर्ग की स्थापना बाप के बिगर कोई भी नहीं कर सकता है। सर्व को लिबरेट करना एक ही शिव बाबा का काम है। पोप भी कहते हैं वननेस हो, माना एकता हो, परंतु होगी कैसे, हम एक तो सब बने हैं ना, एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे हैं ये भी जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया, यह तो सब ब्रदर्स है ना। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, तो जरूर बेरहमी कर रहे हैं, यह नहीं जानते बेरहम करने वाला कौन। रहम करने वाला तो एक ही बाप है, बेरहम करने वाला है रावण, जिसको सब जलाते रहते हैं, जलता भी नहीं है। दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़े ही बार बार जलाएंगे, कोई कोई पता नहीं कि यह क्या बनाते रहते। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, अब तो नहीं है ना, तो मनुष्यों को कैसे समझावे। भारत को सुखधाम बनाने वाला एक ही बाप है, बाप का परिचय देना है, यह भी समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे। समझेंगे भी फिर वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं जो मेरा भक्त हो कोशिश करो उनको ज्ञान दो, ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के ही होंगे। बाबा नब्ज दे करके ज्ञान सुनाने के लिए कह रहे हैं। ऊंचते ऊंच है ही एक शिव बाबा, सब उनको याद करते हैं, यह तो शिव बाबा है ना। बाप से तो वर्षा लेना है, जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी मत, सुख कहाँ है। कितना अच्छी रीति बाप समझाते परंतु किसकी बुद्धि में बैठेगा, तब ना जब बाप का परिचय देंगे। ये बाप भी है टीचर भी है और सतगुरु, इनका कोई बाप टीचर नहीं। पहले पहले माता पिता, फिर टीचर और फिर सदगति के लिए करते हैं गुरु। यह वंडर है, बेहद का बाप ही बेहद का बाप एक ही बाप टीचर सतगुरु है, 3 in 1। तुम जानते हो वह बाप ऊंचते ऊंच है, वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। नर्क के बाद है ही स्वर्ग, नर्क के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में सॉन्ग बनाते हैं ना, फिर पूछते हैं स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा। बरोबर देखते हैं यूरोपवासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती रहती है। तुमको कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है, सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाबा आते हैं भारत में तो सबसे बड़े थे बड़ा वो तीर्थ हो गया भारत, कहते भी है हमारा भारत प्राचीन था, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, जो प्राचीन हुआ सो फिर होगा, तुमने राजयोग सीखा था वही फिर सीखते हो, बुद्धि में है
यह नॉलेज बाबा कल्प कल्प आकर के हमको देते हैं। शिव के भी अनेक नाम रखे हैं। बबुलनाथ का मंदिर है, कांटों को फूल बनाया ना, इसलिए बबुलनाथ कहते हैं शिव बाबा को। ऐसे बहुत नाम हैं जिसका अर्थ तुम समझा सकते हो। पहले पहले बाबा का परिचय दो जिसको सब भूले हुए हैं। पहले बाबा को जाने तब बुद्धि योग लगे। बाबा से वर्षा लेना है, मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति धाम में जाना है। यह है पतित जीवन बंध। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बन शिव बाबा को याद करो, इससे ही बेड़ा पार होगा। सब आत्माओं का बाप एक ही है, बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो तो योग से विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सोगति हो जाएंगी। हमको वापस जाना है, जितना हो सके जल्दी जावे, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। ऊंच पद पाना है तो शिव बाबा को भी याद रखना है। हम एक बाप के बच्चे हैं और बाबा कहते मन मना भव। कृष्ण थोड़े ही कहते हैं, कृष्ण कहाँ है, यह तो बाप है। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो जरूर यहाँ होना चाहिए। यह है व्यक्त पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। झाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है, यह नीचे तपस्या में भी ब्रह्मा बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा का कल्पवृक्ष के चित्र में जो स्थान दिखाया है वो बाबा बोल रहे हैं। इनके ही फीचर सूक्ष्म अवतर में देखते हैं, यह जाकर फरिश्ता बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सावरा है ना। पहली बात जब तक न समझाई तब तक कुछ समझेंगे नहीं, इसमें ही मेहनत लगती है। माया फट से बाप की याद भुला देती है। निश्चय से लिखते भी है बरोबर, हम नारायण पद पाएंगे फिर भूल जाते हैं। माया बड़ी दुष्टर है, माया के तूफान कितने भी आवे परंतु हिलना नहीं है। वो है पिछाड़ी की स्टेज। माया रुस्तुम होकर लड़ेगी, रीढ़ बकरी होंगे तो उनको फट से गिरा देगी, डरना नहीं। वैद्य लोग कहते हैं पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। माया के तूफान भी बहुत आएंगे, जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर भी कम हो जाएगा, समझेगी यह हिलने वाले नहीं हैं। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते, यह बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राज्य गाया हुआ है, ये तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट अशरीरी बन बाप को याद करना है, स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है, ज्ञान डांस करनी और करानी है। माया के तूफानों से हिलना नहीं, डरना नहीं, पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है। आज का वरदान है बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान है तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं होगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है, इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ बाप को दे दो तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। आज का स्लोगन है मुरलीधर की मुरली पर, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूल कर खुशी के झूले में झूलने वाले सच्चे गोप गोपियां हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह की सब सुध बुध को भूल खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। तो ऐसे बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।